वेलकम टू कुकिंग योर रेसिपी। आज हम बनाएंगे मसाला मटरी। ये मटरी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी है। ये बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और इन्हें आप कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकती हैं। ये है सामग्री। सबसे पहले हम एक कटोरी मैदा लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधी कटोरी सूजी। जितनी हमने मैदा ली है उसे आधी हम सूजी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच जीरा पाउडर। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल। ये जरूर डालिएगा क्योंकि इससे मटरी एकदम क्रिस्पी बनेगी। अब इन सभी चीजों को मिक्स करके हम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। ये मैंने आटा लगा लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना सॉफ्ट आटा लगाया है। बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है क्योंकि सूजी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, इसलिए हमें आटा सॉफ्ट लगाना है। अब इसे हम 20 मिनट के लिए प्लेट से ढककर रख देंगे। अब 20 मिनट बाद ये मैंने आटे की छोटी सी लोई ले ली है। इसको हम रोटी जितना बड़ा बेल लेंगे। ये मैंने बेल लिया है इसे। अब हम इसकी मटरी काटेंगे। मटरी को आप अपनी पसंद से काट सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट रही हूँ। अब इसे हम बीच में से भी काट देंगे। ये मैंने मटरी काट ली है। इसी तरीके से सभी मटरियों को तैयार कर लें। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ये मैंने तेल गरम कर लिया है। अब इसमें हम एक एक करके मटरी डालेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको रोज नई वीडियो देखने को मिलेंगी। ये मैंने सभी मटरियां डाल दी हैं। अब इन्हें हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। अभी मटरी का कलर चेंज नहीं हुआ है, इन्हें हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। मटरी का कलर चेंज हो गया है। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। सभी मटरियों को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मटरी की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें रोज नई वीडियो देखने के लिए।